दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पान के पत्ते के बारे में बताने जा रही हूँ। पान की हमारे देश में बहुत अहमियत है और लोग खाना खाने के बाद पान का सेवन करते हैं। इसे लोग माउथ फ्रेशनर के रूप में भी उपयोग करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको पान के कुछ ऐसी हेल्थ और ब्यूटी बेनिफिट्स के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। दोस्तों, एक्चुअली बीटल लीव यानी कि पान का पत्ता आपकी बहुत सारी बीमारियों का इलाज है और ब्यूटी प्रॉब्लम्स के लिए तो ये राम बाण है। तो चलिए देखते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं और किस तरह से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, पान का पहला फायदा ये है कि ये कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन में राम बाण इलाज का काम करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर से फ्री रेडिकल्स को दूर करने में मदद करते हैं। पेट की सारी समस्या पान के पत्ते से ठीक हो जाती है। आपको 2 से 3 पान के पत्ते रात में पानी में भिगोकर रख देना है और अगली सुबह खाली पेट इस पानी को पी लेना है और पत्ते भी चबा चबा कर खा लेना है। इससे पुरानी से पुरानी कब्ज भी ठीक हो जाती है। बहुत सारे लोग कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन से परेशान रहते हैं लेकिन उन्हें सही इलाज नहीं मिल पाता, तो ये श्योर शॉर्ट इलाज है कॉन्स्टिपेशन का। पान के पत्ते का जो दूसरा लाजवाब फायदा है वो ये कि ये खांसी में एंटीबायोटिक से भी ज्यादा असर करता है। अगर आपकी खांसी की प्रॉब्लम नहीं जा रही है, चाहे कितने भी कफ सिरप पी लिए हों या बहुत सारी दवाइयां खा चुके हों, लेकिन जो कफ है वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा, खांसी जाने का नाम ही नहीं ले रही, तो आप पान के पत्ते को चबा लें। ये नेचुरल एंटीबायोटिक है, इससे आपकी खांसी जल्दी चली जाएगी और अगर खांसी की वजह से गले में सूजन आ गई है तो वो भी जल्दी ठीक हो जाएगी। जहाँ पर पान के पत्ते बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में, वहाँ लोग खांसी होने पर दवाइयों की जगह पान के पत्तों का ही इस्तेमाल करते हैं और उनकी खांसी दूर हो जाती है। अगला इलाज है अर्थराइटिस का। जिन्हें सूजन ज्यादा रहती है और जोड़ों में ज्यादा दर्द रहता है तो पान के पत्ते उनके लिए हैं। पान के पत्तों में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और यह एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरा हुआ होता है। जिनको गठिया या अर्थराइटिस है वो रोज सुबह खाली पेट 2 पान के पत्ते चबा चबा कर खाएंगे तो उनकी सूजन दूर हो जाएगी और अगर अर्थराइटिस की वजह से चलने फिरने में भी प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाएगी। इसका जो अगला फायदा है वो है पीठ दर्द में। बहुत सारे लोगों को बैक पेन की प्रॉब्लम रहती है जिसकी वजह से वो ठीक से उठ भी नहीं पाते, तो उनके लिए एक बेहतरीन उपाय है कि वो पान के पत्ते से सिकाई करें। आप नारियल तेल को गर्म करें और इतना गर्म करें कि आपकी स्किन उसे सह सके और फिर उस तेल को पान के पत्ते पर लगा लें और उस गर्म पान के पत्ते को आप इफेक्टेड एरिया पर लगाएं और सिकाई करें। इससे आपका बैक पेन दूर हो जाता है और अगर आपकी मांसपेशियों में तनाव और सूजन रहता है तो वो भी दूर हो जाती है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो पान के पत्तों का तेल भी मार्केट में मिल जाता है। अगर आप पान के पत्तों के तेल से भी मसाज करेंगे तो ये भी बहुत फायदेमंद होता है। पान के पत्ते से आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, साथ ही अगर आपको भूख नहीं लगती है तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप पान के पत्तों को चबाकर खाएंगे तो भूख बढ़ाने वाले हार्मोन्स की वृद्धि होती है और भूख खुलकर लगती है। अगर आपके स्किन पर मुहासे हैं, दाग धब्बे हैं, एलर्जी है या खुजली होती है या फिर चकत्ते हो गए हैं या फिर अगर आपको अनइवन टोन की प्रॉब्लम है, इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए आप पान के पत्तों को होम रेमेडी के रूप में यूज कर सकते हैं। 5 से 6 पान के पत्तों को मिक्सी में अच्छे से पीस लीजिए और उसे निचोड़ कर उसका रस निकाल लीजिए और उस रस में थोड़ी सी हल्दी मिलाइए और इसे आप अपनी स्किन पर लगा लीजिए। इस फेस पैक को रोजाना लगाने से आपके मुहासे खत्म हो जाएंगे, एलर्जी खत्म हो जाएगी, अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं, आप पान के पत्तों को पानी में उबाल लें और अगर आप उसी पानी से अपने चेहरे को धोएंगे तो आपकी स्किन गोरी भी होगी और साथ ही साथ आपकी स्किन में ग्लो भी बढ़ जाएगा और इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप देखकर खुद ही हैरान हो जाएंगे। पान के पत्ते के पानी को अगर आप अपने इंटीमेट एरिया को साफ करने के लिए यूज करेंगे तो वहाँ पर कभी भी खुजली और रैशेस नहीं होंगे। जिनको सफेद पानी की शिकायत रहती है, जिसे व्हाइट डिस्चार्ज या लिकोरिया भी कहते हैं, तो वो अपने इंटीमेट पार्ट को पान के पत्ते के पानी से धो लें तो ये प्रॉब्लम आपकी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। इसके लिए आपको बस ये करना है कि 7 से 8 पान के पत्तों को पानी में डालकर उबाल लेना है और उस पानी से आप अपने प्राइवेट एरिया को वॉश कीजिए तो आपको बहुत जल्द ही रिलीफ मिल जाएगा।
पुरुषों के लिए भी पान के पत्ते किसी दवाई से कम नहीं है। अगर आप अपनी स्पर्म काउंट और क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो सुबह खाली पेट पान के पत्तों को चबाकर खाइए, आपको बहुत जल्द ही अच्छे नतीजे मिलेंगे। अगर आप तनाव और थकान को महसूस कर रहे हैं तो आप पान के पत्तों का उपयोग करिए। पान के पत्तों का सेवन मानसिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है। आप 3 से 4 पान के पत्तों को पीसकर उसका रस निकाल लीजिए और 1 चम्मच पान के पत्ते के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर खाएं। यह आपके दिमाग के लिए एक टॉनिक का काम करता है। अगर दिमागी रूप से तनाव है या थकान है, या फिर अगर आपको मेमोरी को बूस्ट करना चाहते हैं या कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये आपके ब्रेन के लिए एक टॉनिक का काम करेगा। इसके अलावा पान का पत्ता सिर दर्द को भी दूर करता है। जब भी आपको सिर दर्द हो तो आप पान के पत्तों को पीसकर उसके रस को अपने सिर वाले एरिया पर यानी कि माथे पर लगा ले, आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको दांतों से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होती है या पैरिया है, या अगर आपके मसूड़ों में सूजन रहती है, या अगर आपके दांतों में कीड़े लग गए हैं, तो आपके लिए पान का पत्ता बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आपके मुंह से बदबू आती है तो आप पान का पत्ता चबा लीजिए। आप रोज़ाना पान के पत्तों को चबाएंगे तो आपके मुँह से बदबू आना बंद हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके मसूड़ों में सूजन है तो आप पान के पत्तों के पानी से गरारे करें। दांतों में दर्द है तो भी आप पान के पत्तों को चबाकर खाएं या फिर पान के पानी से गरारे करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती है जो आपकी ओरल हेल्थ को मेंटेन करती है। तो देखा आपने कि पान के पत्ते कितने ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके जरूर काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। फॉलो कैसे करना है ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।